पहले इन लोगों ने इन्हीं जीतपुर जमात ने जो स्टार्ट किया था, उसके बाद दीगर जमातों ने भी अपने इंटरनल हार्डबॉल के टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं, तो एक स्टेपिंग स्टोन था उसकी, जिसकी वजह से हमारी यूथ को बहुत फ़ायदा हुआ है और यही यूथ आगे जाके जो हमारी मेमनों की बड़ी लीग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें उन्हीं के लड़के। आर यू रेडी? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं फजल बंदानी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर क्रिकेट लीग सीज़न 3 के आज ऑक्शन सेरेमनी थे। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल मजीद साहब, जो कि एक क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं। कराची की कहीं की भी कोई क्रिकेट हो उसे ऑर्गेनाइज़ करना, उसको ले कर चलना, खिलाड़ियों को ले कर चलना, पीछे का सारा सेटअप चलाना, तो ये बिलाल मजीद साहब की स्पेशलिस्ट है। आज इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, क्या कहेंगे JCL 3 के हवाले से? JCL जो ब्रांड है माशाल्लाह से, इंटरनल जो जमात की जो हार्डबॉल लीग है उसका पायनियर है। सबसे पहले इन लोगों ने इन्हीं जीतपुर जमात ने जो स्टार्ट किया था, उसके बाद दीगर जमातों ने भी अपने इंटरनल हार्डबॉल के टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं, तो एक स्टेपिंग स्टोन था उसकी, जिसकी वजह से हमारी यूथ को बहुत फ़ायदा हुआ है और यही यूथ आगे जाके जो हमारी मेमनों की बड़ी लीग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें उन्हीं के लड़के। बिलाल भाई, जो लड़के किसी वजह से हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आते, क्रिकेट की तरफ नहीं आते, दीगर हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाते, उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि माशाल्लाह से अब हमारी मेमन की क्रिकेट हार्डबॉल हो या टेप बॉल हो काफ़ी प्रोफेशनल हो गई है और काफ़ी अच्छे मुकाबले होते हैं हमारे टूर्नामेंट्स में, और जो लोग जो है वो दीगर अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में बैठे होते हैं, तो मैं इन्हीं को मशवरा दूंगा कि क्रिकेट की तरफ आएँ और एक अच्छा टाइम पास भी होगा, अच्छी सोशलाइजिंग भी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।